मैथ नेटिव क्लास में यूट्यूब पर आपका स्वागत है दोस्त। तो बात करते हैं दोस्त आज त्रिकोणमिति के बारे में। तो त्रिकोणमिति के अनुपातीय रूप जो है उनके अनुपातीय रूप के बारे में जानेंगे। अनुपात के रूप के बारे में अनुपात जो होता है अनुपातीय क्या है उसके रूपों उसके बारे में विस्तार पूर्वक से जानेंगे, उसके रूप के बारे में जानेंगे कि अनुपातीय रूप होता है। तो चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर वन कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर वन टेन थीटा इंटू पावर थीटा बराबर वन। तो ये सभी अनुपातीय रूप में हम फॉर्मूला निकालेंगे। तो यहाँ पर साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा और टेन थीटा को क्या होगा। तो इसके रूप में हम कैसे यहाँ पर फॉर्मूला निकालेंगे, तो यहाँ पर हमको देखना है कि साइन थीटा के लिए अनुपात के रूप में हमको फॉर्मूला निकालना है। तो साइन थीटा के लिए निकालना है तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा बराबर ये कोसेक है, अगर इधर ले जाएंगे तो बराबर की साइड चला जाएगा भाग में, तो बराबर की साइड ले चलो तो ले जाए चला जाएगा भाग में, तो यहाँ पर होगा वन बाय कोसेक थीटा। चलिए कॉस थीटा के लिए तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर यहाँ पर जब ये बराबर कोसेक थीटा है गुना के रूप में, तो ये सेक थीटा है मेरा गुना के रूप में, इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर भी भाग के रूप में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा वन बाय सेक थीटा। फिर टेन थीटा के लिए लेना है तो यहाँ पर टेन थीटा बराबर ये कॉस थीटा है गुना के रूप में, अगर इधर जाएगा तो हो जाएगा भाग के रूप में, ये टेन थीटा है गुना के रूप में और उसके साथ टेन थीटा इंटू कॉस थीटा गुना के रूप में है। तो कॉस थीटा जो है जब हम टेन का फॉर्मूला निकालेंगे अनुपातीय रूप में, तो ये तो टेन का अनुपातीय रूप में हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर ये कॉस जो है इधर चला जाएगा बराबर किस साइड, तो हो जाएगा भाग के रूप में, क्योंकि यहाँ पर गुना के रूप में है तो गुना के साथ में है, मल्टीप्लाई के साथ में है टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब ये हम बराबर इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा भाग के रूप में आ जाएगा। जो ये जो है नियम आपका दिया गया है 8 क्लास में, जो यहाँ पर घातांक करनी पड़ते हैं तो घातांक करनी का सेम रूल यहाँ पर लागू होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये इधर तो चला जाएगा वन बाय और थीटा, वन बाय और थीटा, ये साइन कॉस और टेन का है। फिर इसी तरह हमको निकालना है कोसेक थीटा के लिए, कोसेक थीटा के लिए निकालना है तो यहाँ पर साइन थीटा जो है आपका ये गुना के रूप में है, और जब ये हम कोसेक थीटा के लिए निकालेंगे तो ये जो है बराबर के जब इस साइड में चला जाएगा तो ये भाग के रूप में आ जाएगा, तो यहाँ पर भाग के रूप में आ जाएगा, तो यहाँ पर वन बाय क्या हो जाएगा साइन थीटा, वन बाय साइन थीटा। फिर आ गया कोसेक थीटा के लिए, यहाँ पर कॉस थीटा हो गया था, यहाँ पर सेक थीटा के लिए फिर आ जाएंगे तो यहाँ पर होगा सेक थीटा बराबर, यहाँ पर लिखना है ये कॉस जो है बराबर किस से जब जाएगा तो ये गुना के रूप में इधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा वन बाय